हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात के रक्षक डोगा की ये रोमांचक कॉमिक्स थांबा। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग, डोगालिसिस विंग। आज कम शक्ति की बाइक के कारण डोगा मात खा गया चीता, लेकिन पता तो चल गया कि एक्सप्रेस वे पर क्या चल रहा है। हाँ, मगर अभी भी इस रोबरी से धारा, स्पीड एक्स और सागर नहीं जुड़ रहे। लेकिन धारा का संबंध विक्रम तोड़े से तो जुड़ा हुआ है, उस विक्रम तोड़े से जो एक्सप्रेस वे रोबर्स का लीडर है। मुसीबत तो यही है कि धारा की चुप्पी नहीं टूट रही। अगर वो कुछ बोल दे तो मुझे यकीन है कि स्पीड एक्स और सागर वाली सारी कहानी मेरे सामने खुल जाएगी। पता नहीं वो क्या जानती है, क्या करना चाहती है। एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाला ही असली विजेता था, क्योंकि उसने मुश्किलों के बीच से वो रास्ते बनाए जिस पर आज तक सभी चल रहे हैं। और जिन मुश्किलों के पीछे डोगा है, उन्हें तो ढेर होना ही है। डोगा उस चौल में पहुंचा। डोगा तुम? हाँ मैं। हाथ पर काफी चोट आई है, टेटनेस का इंजेक्शन तो लगवा ही लिया होगा। सड़क की चोट में सबसे ज्यादा खतरा टेटनेस का ही होता है। क्यों? वो डोगा, मैं अब समझ में आया मुझे कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल दौड़ाते वक्त डोगा का नाम सुनकर तुम अपना संतुलन क्यों बिगाड़ बैठे थे। चोर कितना भी गुर्दे वाला हो, पुलिस का नाम सुनकर उसका पेशाब निकल ही जाता है। मगर जानते हो, मैंने तुम्हें एक्सप्रेसवे पर उस वक्त गोली क्यों नहीं मारी जब मैंने तुम्हें 2 करोड़ की ज्वेलरी की लूट में शामिल देखा? क्योंकि जब तुम मुझे मौत के कुएं में मिले थे, तो उस वक्त तक तुम किसी गुनाह में शामिल नहीं थे। तुम मेरा नाम सुनकर अपना संतुलन बिगाड़ बैठे क्योंकि तुम रॉबरी में शामिल होने वाले थे। ये बात तुम्हें मालूम थी। मेरा खौफ तुम पर चढ़ गया कि अगर रॉबरी के वक्त या बाद में तुम्हारा सामना मुझसे हुआ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं रघु, कि तुम इस रॉबरी में क्यों शामिल हुए? अगर झूठ बोला तो इस बार सचमुच गोली मार दूंगा। डोगा, वास्तव में मैं इस लूट के लिए नहीं, बल्कि स्पीड एक्स द्वारा आयोजित रेस के लिए इस लूट में शामिल हुआ था। स्पीड एक्स? हाँ डोगा, सुपर स्पीड बाइक्स की यह रेस एक्सप्रेस वे पर होगी। इसमें देश भर से आए कई युवा हिस्सा लेंगे। रेस? बाइक्स की रेस एक्सप्रेस वे पर? ये रेस कैसे हो सकती है? रेस तो वहां पहले भी होती रही है डोगा, मगर ये रेस प्राइज मनी के कारण महत्वपूर्ण है। स्पीड एक्स रेस के विनर के लिए प्राइज मनी है पूरे 5 करोड़। मगर रेस के लिए कम से कम सड़कें तो खाली होनी चाहिए। तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच रेस कैसे हो सकती है? सब इंतजाम हो जाते हैं डोगा। मैं पहले भी एक रेस में भाग ले चुका हूँ। मैं मुंबई बाइकर्स कम्युनिटी का मेंबर हूँ और रेस में सिर्फ इन कम्युनिटी के युवा ही भाग ले सकते हैं। मुंबई बाइकर्स कम्युनिटी में ही करीब 1200 मेंबर है, जबकि इंडियन बाइकर्स कम्युनिटी के 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इसके अलावा भी विभिन्न शहरों की 40-50 से ज़्यादा छोटी बड़ी कम्युनिटीज हैं। कमाल है। डोगा इधर आओ, ये देखो, स्पीड एक्स रेस में भाग लेने के लिए मैंने मॉडिफाई करके अपनी बाइक को ये लुक दिया है। अब सिर्फ 1200 सीसी का एमटीटी टर्बाइन सुपर बाइक Y2 के इंजन लगना बाकी है। उसके बाद ये बाइक 380 किलोमीटर की रफ्तार तक दौड़ सकती है। इन सब कामों के लिए मैंने पैसा उठाया था डोगा। स्पीड एक्स रेस कौन ऑर्गेनाइज करता है? गोविंद खराड़े। स्पीड एक्स रेस पर भारी सट्टा लगाता है और वहीं से मोटी कमाई इस माफिया की जेब में जाती है। इस काम में उसका बेटा विक्रम खराड़े भी उसका हाथ बटाता है, जो अपने नाम में खराड़े की बजाय तोड़े लगाना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि अपनी गुंडागर्दी से कईयों की हड्डियां तोड़ चुका है वो। धड़ल्ले से रेस होती है, भीषण दुर्घटनाएं होती हैं, मौतें होती हैं, मगर मौत रेस के कारण हुई ये साबित नहीं किया जा सकता। रफ्तार का ये सीक्रेट वर्ल्ड है, किसी को कुछ कहने की इजाजत नहीं है। यहाँ जुबान खोलने का मतलब है मौत। माफिया की पुलिस और मंत्रियों तक भारी घुसपैठ है। अगर मैं ये जानकारी पुलिस को दे रहा होता,
तो शायद अब तक वही पुलिस वाला ही मुझे गोली मार चुका होता। ओह, माफिया के इसी डर से रिया ने आत्महत्या की कोशिश की होगी, इसीलिए बाकी बाइकर्स अपने घायल साथियों को छोड़कर भाग गए थे। अगर सब कुछ सीक्रेट है तो रेस का पता कैसे लगता है कि कब है? इसका पता और कुट जैसी कम्युनिटीज से लगता है। रेस कब और कहाँ होगी? होनी है। एंट्री फी, प्राइज मनी क्या है? रेस का स्टेटस क्या है, यानी नेशनल लेवल की है या स्टेट लेवल की? ये सब जानकारियाँ योग्य उम्मीदवारों को इनमें मैसेज भरकर भेज दी जाती है। कम्युनिटी के जरिए ही मैसेज भेजकर रेसिंग की डेट और प्लेस बता दिया जाता है। रेस कब होनी है? जब रेस से जुड़ी सारी औपचारिकताएं मैं पूरी कर दूंगा, तब मुझे मैसेज डिलीवर करके रेस की डेट और प्लेस की जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि रोबरी फेल हो जाने के कारण अब मैं 10,000 रुपये फीस नहीं जमा करवा पाऊंगा और ना ही वो 50,000 रुपया वापस कर पाऊंगा जो मैंने एक गुंडे पांड्या से उधार उठाया है। मेरा वो क्रेडिट कार्ड उसी के पास गिरवी है जिससे मुझे स्पीड एक्स की एंट्री फी भरनी है। मैं गोलीबारी में शामिल नहीं था डोगा, मुझे बताया गया था कि सिर्फ लूट होगी खून खराबे के बिना। देखो रघु, रोबी की जो कोशिश तुमने की है उसमें दो जाने गई हैं। हालांकि तुम हत्यारे नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने उस गुनाह के लिए कानून के सामने सरेंडर तो करना ही होगा। तुम एक बुराई को खत्म करने में मेरा साथ दे रहे हो, तो शायद तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हारी सजा में कहीं रियायत बनकर तुम्हारे सामने आ जाए। अब तुम रेस की फीस जमा करने की तैयारी करो, पैसा मैं दे रहा हूँ। ठहरो डोगा, तुमने एक्सप्रेसवे पर हेलमेट लगे होने के बाद भी मुझे पहचाना कैसे था? तुम्हारी आंखों में बने तिल से। डोगा बाहर आ गया। इस सब में रघु ने कहीं भी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है रेस के इस गोरख धंधे का असली सूत्रधार वही है। शायद गोविंद खरारे उसकी ढाल हो, और सागर की मौत भी अभी रहस्य बनी हुई है। शायद रेस ही हो उसका भी कारण। विक्रम तोड़े को देखकर घृणा से भर उठी थी धारा। तुम्हें कहा था ना कि रफ्तार के इस खेल से खुद को दूर रखो। हो गया ना टांग में फ्रैक्चर? इंसाफ के लिए मैं खोपड़ी पर भी 100 फ्रैक्चर बर्दाश्त कर सकती हूँ। हमारे लड़कों के साथ प्रैक्टिस स्टंट तो तुमने खूब कर लिए धारा, लेकिन क्या तुम अभी भी स्पीड एक्स रेस में हिस्सा लेने की सोच रही हो? हाँ, और जीत मेरा पहला लक्ष्य है। दूसरा भी कोई है? हाँ, दूसरा लक्ष्य तुम्हारी मौत। जीत के तुरंत बाद तुम्हारी मौत। मेरे सागर की आत्मा को शांति तभी मिलेगी। तो फिर ठीक है, ये चैलेंज रहा। अगर मैं जीता तो तुम सब कुछ भूल कर मुझसे शादी करोगी। तुम जीती तो मेरी मौत ट्राई कर लेना। एक हड्डी तो क्या, टांग की 10 हड्डियों के फ्रैक्चर होने के बाद भी ये रेस तो मुझे जीतनी ही है। डोगा के लिए वो पल बेहद निराशाजनक था। रघु, उफ, किसी ने इसकी हत्या कर दी। कहीं हत्यारे को रघु और मेरी प्लानिंग का पता तो नहीं लग गया है? शायद कोई रघु पर नजर रख रहा था और उसने मुझे रघु के घर से निकलते हुए देख लिया होगा। रघु की बाइक अंदर होगी। टर, उफ, लोमड़ी रघु की बाइक क्यों ले गई? यानी कि लोमड़ी भी रेस में हिस्सा लेगी। टर, गोविंद खरारे की नजर थी रघु पर। सरकार, रघु को मारना पड़ा। पांड्या का आदमी उस पर नजर रखे थे और उन्होंने डोगा को उसके घर से निकलते देखा था। शायद रघु डबल गेम खेल रहा था। गेम अब अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था। डोगा को अब अपनी रफ्तार बढ़ानी थी। हाँ चीता, कुछ पता चला? रेसिंग में ज्यादातर 600 से 1200 सीसी तक की बाइक प्रयोग होती है डोगा, और ऐसी बाइक्स शोरूम्स में नहीं मिलती। इन्हें ज्यादातर विदेशों से आयात किया जाता है, लेकिन 88% इम्पोर्ट ड्यूटी चुकाने के बाद बाइक की कीमत लाखों में जा पहुंचती है, यानी 5 से 15 लाख तक। स्पेयर पार्ट्स के रूप में ये सस्ती पड़ती है, और इस काम में मुंबई में ही एक ही व्यक्ति माहिर है, ये अजय सेट्टी।
बस मेरा काम आसान हो गया चीता। अब मुझे पता चल जाएगा कि विदेशों से इंपोर्ट की गई ऐसी सुपर बाइक्स किस किस के पास और कहाँ कहाँ हैं। मगर अब जो काम मैं करने वाला हूँ चीता, हमारी सारी सफलता उसी पर निर्भर है, क्योंकि ये तो तय है कि स्पीड एक्स में हिस्सा लेने वाला कोई भी रेसर हमें रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, और रेस की डेट व प्लेस का पता लगाने का मेरे पास इससे अच्छा और दूसरा कोई तरीका नहीं है, और तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी चीता। इंस्पेक्टर शनि को मिल चुकी थी रघु की लाश। ओह, तो ये था रोबरी में शामिल वो दूसरा बदमाश। रघु की बाइक का रियर व्यू मिरर टूटा पड़ा है। बाइक्स में वो बला ही थी। अरे सरकार, कैसे हो इम्तियाज? अल्लाह का शुक्र है सरकार। कितना काम बाकी है? बस दो एक दिन और लगेंगे। सुजुकी जी एस एक्स 1300 सीसी हायाबूसा गति 380 किलोमीटर प्रति घंटा। सरकार, इस तूफान का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। नहीं इम्तियाज, अभी ये तूफान नहीं बनी है, ये तूफान बनेगी टॉप फ्यूल भरने के बाद। टॉप फ्यूल सरकार? हाँ, टॉप फ्यूल यानी नाइट्रोमीथेन। उससे बाइक में 1100 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा होती है। जबरदस्त पिकअप के साथ मात्र 6 सेकंड्स में 400 मीटर दूर चली जाती है। दैत्य जैसी पावर के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। वाह, फिर तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करके विजेता बनने में इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डोगा के साथ चीता उस कंप्यूटर को खंगाल रहा था। सिट्टी से उठाई लिस्ट के मुताबिक 3 रातों से हम रफ्तार के क्रेजी युवाओं के घर जाकर चोरी छुपे उनके कंप्यूटर खंगाल रहे हैं। उनमें जैक्स और रिया के कंप्यूटर्स भी शामिल है, और ये हंसिनी का कंप्यूटर है, मगर अभी तक सफलता नहीं मिली। मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि रेस के ये सभी दीवाने रेस में भाग लेने वाले हैं, और इन्हें कोई ना कोई ऐसा ईमेल या स्क्रैप जरूर आएगा जिससे हमें रेस की तारीख और जगह का पता लग सकेगा। शुक्र ये है कि ये सभी बच्चे अकेले रहते हैं और देर रात तक पार्टियों में बिजी रहते हैं, वरना इस तरह चोरी छिपे इनके घरों में घुसकर इनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ करना आसान नहीं होता। मुझे लगता है रेस के क्रेज की असली जड़ यही है चीता, अकेलापन। ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स विदेशों में काम करते हैं या काम के सिलसिले में विदेश आते जाते रहते हैं, पास भी रहते हैं तो सिर्फ तस्वीरों में। बच्चों की जिंदगी में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए ये लोग पैसा तो भरपूर दे सकते हैं चीता, मगर समय नहीं। माँ बाप के प्यार व पर्सनल केयर के अभाव में अकेले बच्चों की कुंठाओं ने उन्हें रफ्तार का क्रेजी बना दिया। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि कोई उनकी परवाह करने वाला नहीं। परवाह से प्यार और प्यार से परवाह पैदा होती है। रिश्तों में इन दो चीजों का महत्व तो नहीं भूलना चाहिए। रुको डोगा रुको, उफ मैसेज मिल गया। क्योंकि ऐसा ही मैसेज नवल के कंप्यूटर में भी था। उस वक्त मुझे लगा था कि नवल शायद कहीं जाने वाला है, मगर हंसिनी तो हॉस्पिटल में है। उसके भी कंप्यूटर पर ऐसा ही मैसेज देखने के बाद हमें इंडियन की साइट पर सर्च करना होगा। इंडियन एयरलाइन अब इंडियन हो गई है, और उसकी 438 नंबर की फ्लाइट दिल्ली से मुंबई होती हुई पुणे जाती है। मुझे लगता है ये मैसेज रेस की सूचना है। बाकी रिसर्च डोगालिसिस विंग में करते हैं। अस्पताल के वार्ड में खलबली मची हुई थी। तुम्हारे पहरे पर रहते हुए धारा वार्ड छोड़कर कैसे चली गई बेवकूफ? वो दर्द से कराह रही थी। फ्रैक्चर के साथ वो कहीं नहीं जा सकती थी। ये सोचकर मैं नर्स को बुलाने चला गया। वापस लौटा तो धारा गायब थी। सुपर बाइक को टॉप फ्यूल से भर दिया गया था, उसे वहां से कौन ले गया? जब तक ये दोनों गार्ड्स होश में नहीं आ जाते, तब तक कैसे पता लगेगा? हेलो, मुझे ऑर्थो वार्ड के रूम नंबर 10 की पेशेंट धारा से बात करनी है। क्या वो अपने कमरे से फरार हो गई है? फिर ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? दूसरी बाइक में टॉप फ्यूल तो डाल लेंगे, मगर टॉप फ्यूल युक्त वो बाइक भी तो हमारे रेसर के लिए चुनौती बन जाएगी। और आप जानते हैं कि टॉप फ्यूल बाइक विक्रम दौड़ाने वाला था। रेस के विनर का पैसा किसी और के पास चला जाएगा। 5 करोड़ कम नहीं होते। मैं जानता हूं
दारा ने मुझे शिकस्त देने के लिए ऐसा किया है, मगर वो फ्रैक्चर्ड है, वो रेस नहीं जीत पाएगी। वो जुनूनी भी है, ध्यान रखना। सूरज और चीता मैसेज को डी कोड करने में लगे थे। MPR से मतलब मुंबई पुणे हो सकता है और R यानी रेस। मैं समझ गया हूँ मैसेज क्या है। डिपार्चर टाइम इंडियन फ्लाइट 438 MPR। यह कोडवर्ड रेस के समय व स्थान के लिए ही है। रेस के शुरू होने का समय भी यही होना चाहिए, यानी जिस समय इस नंबर की फ्लाइट टेक ऑफ करती है। मगर इसमें यह तो पता नहीं चल रहा कि रेस होनी किस दिन है। इस फ्लाइट नंबर की एक और विशेषता पर तुमने गौर नहीं किया। आज की तारीख बताओगे चीता? 4 मार्च 2008। इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 4-3-2-0-0-8, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4-3-8, और फ्लाइट का नंबर क्या है? 4-3-8। ओह, इसका मतलब रेस आज ही रात 10 बजे होनी है, क्योंकि ये फ्लाइट रात 10 बजे छूटती है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि 93 किलोमीटर लंबे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ये रेस होगी कौन से हिस्से में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेज रफ्तार ट्रैफिक में रेस होगी भी कैसे। चीता की बनाई स्पेशल कार एक्सप्रेसवे पर पहुँच चुकी थी। इंडियन की फ्लाइट 438 तो आकाश से गुजर रही है डोगा। डोगा कार के पिछले हिस्से में अपनी बाइक के साथ था। चीता रेस शुरू होने वाली होगी या हो चुकी होगी। हमने एक्सप्रेसवे पर टोल स्टेशन से 7 किलोमीटर आगे की जगह चुनी है, क्योंकि रेस इससे पहले कहीं से भी शुरू हो वो इस दूरी तक तो आएगी ही या यहाँ से होकर गुजरेगी ही। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ चीता कि एक्सप्रेसवे पर गैर कानूनी रेस होती है, और हमारे सरकारी तंत्र के कई भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत के बिना ये रेस संभव नहीं। तुम्हारा काम इस रेस की फिल्म उतारना है। मैं भी तैयार हूँ और मेरा DG कैम भी। ये ट्रेजरी कहाँ से आ गई? वो 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 हमारे अनुमान से तो इस वक्त रेस शुरू होनी चाहिए थी। ट्रेजरी लगभग 80-90 की रफ्तार से जा रही है, और डोगा यदि रेस भी इसी समय शुरू होती है और बाइकें 150 से 200 की रफ्तार से भी रेस लगाती है, तो डबल रफ्तार होने के कारण वो ट्रेजरी को क्रॉस जरूर करेंगी। और यदि ऐसा होता है तो पुलिस फोर्स के कारण ये रेस हो ही नहीं पाएगी। मुझे लगता है हमसे कोड को डी कोड करने में कोई गलती हुई है। रेस आज नहीं होने वाली है, हम अपना समय यहाँ खराब कर रहे हैं। ठहरो चीता, ठहरो, तुमने एक बात गौर नहीं की। ट्रेजरी तो गुजर गई, मगर एक्सप्रेसवे पर काफ़ी समय से ना कोई दूसरा ट्रैफिक गुजरा है और ना अब गुजर रहा है, यानी ट्रेजरी की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक को शायद रोका गया है। सड़क सुनसान हो गई है चीता, शायद अब होगी रेस। सरकार अभी अभी विक्रम से मेरी बात हुई है। बाइक से भरे हमारे ट्रक RBI की वैन के खललपुर टोल स्टेशन पार करने से पहले ही टोल स्टेशन को पार कर रेस पॉइंट तक पहुंचकर रुक गए थे, और रेस पॉइंट आपको पता ही है, सजगांव गैस स्टेशन। ये खललपुर टोल स्टेशन से 1.6 किलोमीटर आगे है। रेस 20 किलोमीटर तक होगी, यानी खंडाला से आगे तुंगरली तक। RBI ट्रेजरी वैन लगभग 90 की रफ्तार से वहां से गुजर गई है। हमारे लोग हरकत में आ चुके हैं। ट्रैक पर बाधाएं खड़ी करने का काम शुरू हो चुका है। चलो जल्दी करो, यही तो रेस का असली रोमांच व मजा है। विक्रम बेटे ध्यान रहे, अब एक्सप्रेसवे पर आधा घंटा ट्रैफिक बंद रहेगा। ट्रैक बिछाए जा रहे हैं पापा, आप चिंता ना करें। 250-300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती सुपर बाइक्स का ये खेल कुछ मिनटों में ही निपट जाएगा। मैं रेस की फिनिश लाइन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेटे। डोंट वरी पापा, सबसे पहले मैं ही वहाँ पहुँचूँगा। ए जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इसके बाद ट्रक को आगे ले जाना है और बाकी सामान थोड़ी थोड़ी दूरी पर उतारते जाना। क्यों टेंशन लेते हो विक्रम भाई, अपुन दिलावर है ना इस काम के लिए। आप रेस पर ध्यान दो, ठीक है संभाल लेना।
रेस ट्रैक पर जगह जगह बिछाई जा रही थी हर्डल्स। जल्दी करो, सड़क की पूरी चौड़ाई को घेरता प्लेटफॉर्म बिछाओ, प्लेटफॉर्म और रैंप पर मोबिल ऑयल गिराओ। अब हाई जंप के लिए ऊंचे रैंप। ट्रकों से धड़ाधड़ उतरी विश्व स्तरीय रेसिंग बाइक्स। मेरी हार्ले डेविडसन की जीतेगी ये रेस, मेरी $40,000 की टाइटन बाइक जीतेगी ये रेस। MB अगस्टा F4 1000 R390 KMPH, इसके आगे सब होंगे धराशायी, क्योंकि इसमें है टॉप फ्यूल। धारा कहाँ होगी? विक्रम की निगाहें धारा को ढूंढ रही थी। कवासाकी निंजा ZX14 300 KMPH ही होगी विजेता। तेज शोर करती टॉप फ्यूल बाइक ठीक विक्रम के बराबर में आ खड़ी हुई। ग्रूम, ओ धारा, तू भी रेस में शामिल होने के लिए आ गई, मुझे तेरा ही इंतजार था। अपने बाप की इस बाइक को चुराकर भी तू जीत नहीं पाएगी, अपनी दूसरी टांग भी तुड़वाएगी तू। शुरू हो गई 5 करोड़ी रेस। कौन बनेगा करोड़पति? ग्रूम चुरुम गो, ग्रूम चुरुम। बाइकों के गुजर जाने के बाद उन ट्रकों को भी पीछे पीछे जाना था, सड़क पर बिछाए गए सामान को उठाते हुए। इधर सरकार के लिए सीधे प्रसारण की व्यवस्था थी। मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ सरकार, विजेता सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, कितने समय में रेस पूरी होगी, इन सब मुद्दों पर लगभग 40 करोड़ 30 लाख का सट्टा लग चुका है। मैं एक ऊंचे स्पोर्ट से इस रेस को कवर कर रहा हूँ। टॉप फ्यूल ड्रैग रेसिंग बाइक आपकी बेटी धारा चला रही है, उसकी टांग फ्रैक्चर्ड है, वो अपनी जान पर खेल रही है। मोबिल ऑयल वाले रैंप से गुजरना आसान नहीं था। स्क्रिंश, चिकनी सतह पर जबरदस्त नियंत्रण की जरूरत थी। अच्छी कोशिश धारा, अच्छी कोशिश। जरूर जुबान मत चला कमीने, यह बाइक की रेस है, बाइक चला और जीत के दिखा। उफ, ये भीड़ कुछ ज़्यादा है, इसे कम करना होगा। स्पीड एक्स एक चैलेंज है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।